और जम्मू से बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी हैदर की तस्वीर सामने आई है। जम्मू के कठुआ में मुठभेड़ में मारा गया था यह आतंकी, पीओके के रावलकोट का रहने वाला ये आतंकी, और कुछ समय पहले ही आतंकी तंजीम के संपर्क में हैदर आया था। एलओसी पर घुसपैठ कर भारत में ये घुसा था और बड़े हमले की प्लानिंग के तहत हैदर को भेजा गया था। तो तस्वीर सामने आई है, ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं यही वो तस्वीर है। जम्मू से ये बड़ी जानकारी, ये आतंकी हैदर है जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। जम्मू के कठुआ में मुठभेड़ में आतंकी मारा गया था और पीओके के रावलकोट का ये आतंकी जो वो रहने वाला, कुछ समय पहले ही आतंकी तंजीम के संपर्क में ये हैदर आया था और एलओसी पर घुसपैठ कर भारत में ये घुसा था और बड़े हमले की प्लानिंग के तहत जो है हैदर को भेजा गया था। तो तस्वीर भी सामने आई है जम्मू से, ये बड़ी जानकारी, जहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैदर की तस्वीर है, ये आतंकी जिसकी तस्वीर सामने आई है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के हीरानगर में एक बार फिर नया सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खबर यह है कि सेडा गांव में एक महिला ने दो संदिग्धों को देखा है, जिससे मिली जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इस दौरान गांव तक जाने वाले सभी रास्तों को भी सील कर दिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के हीरानगर से, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहरा। जम्मू कश्मीर में अगले 30 घंटे सुरक्षा बल के जवानों के लिए अहम है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से आए आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अगले दो दिनों में सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इन आतंकियों के टारगेट पर सुरक्षा बलों के शिविर, चेक पोस्ट और सरकारी संस्थान हो सकते हैं। इस आतंकी हमले की आशंका के बाद पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोका जा सके। इस आत्मघाती हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बल के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई। जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में पहरेदारी तेज हो गई, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जाने लगे। इस बीच कठुआ में दो आतंकियों के आने की खबर पर पुलिस और सेना चौकन्नी हो गई। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को खुला चैलेंज दे दिया कि आतंक फैलाने वालों का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा और आतंकियों के मददगारों को पछताना पड़ेगा। लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बच्चे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आईं। वहां नेशनल हाईवे पर एक एक गाड़ी को तलाशा गया, किसी के भी संदिग्ध होने पर उससे कड़ी पूछताछ की गई। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। सांबा में भी जम्मू पठानकोट हाईवे पर पहरा सख्त दिखा। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें देखिए, घने जंगलों में सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान करते दिखे। ये वही इलाका है जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हुआ था। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मूवमेंट है उनकी मूवमेंट का हर घंटे में हमें पता भी लग रहा है।
उधर रियासी आतंकी हमले के मामले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बीते 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 बड़े हमले से दहशत फैल गई है। इसीलिए इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी घटनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक की, क्योंकि रियासी कठुआ डोडा में आतंकी हमलों में 10 लोगों की जान चली गई और सेना का एक जवान शहीद हो गया। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।